तो गाइस कैसे गाइस, स्वागत है आपका हमारी को न्यू वीडियो के अंदर। गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको हमारी गेम के अंदर आने वाली कुछ न्यू कमाल के अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। एंड गाइस हमारी गेम के अंदर जो KTM 390 बाइक आने वाली उसका चीट कोड मुझे पता चल चुका है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको उसका चीट कोड भी बताने वाला हूँ। एंड गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको हमारी गेम के अंदर जितनी भी न्यू अपडेट आने वाली उसके अलावा कुछ एडवांस अपडेट बताने वाला हूँ, जिसके अंदर यहाँ पर पेट्रोल ऑप्शन की अपडेट होने वाली, साथ ही यहाँ पर स्पीड मीटर की अपडेट होने वाली है, साथ ही यहाँ पर न्यू आर्मी बेस की अपडेट होने वाली है। एंड इसके अलावा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइड, साथ ही यहाँ पर ड्रैगन के अपडेट, साथ साथ न्यू क्लोथ के अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। तो प्लीज आप में से जिन लोगों ने अभी तक हमारी इस वाली वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वाली वीडियो को एक छोटी सी लाइक कर देना, एंड चैनल पर नहीं तो फटक चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइस चलो फिर शुरू करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको हमारी गेम के अंदर जो KTM 390 बाइक आई उसका चीट कोड बता देता हूँ। गाइस आप लोग अभी टाइम पर अपनी गेम के अंदर यहाँ पर 1190 डायल करोगे तो हमारी गेम के अंदर KTM 1190 आ जाएगी। एंड आप सभी लोग यहाँ पर बाइक के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर भी 1190 लिखा हुआ है, एंड इसका चीट कोड भी यहाँ पर 1190 है। तो हमारी गेम के अंदर जो KTM 390 बाइक आने वाला उसका चीट कोड यहाँ पर 390 होने वाला है, यानी कि जो KTM 390 का चीट कोड होने वाला है वो यहाँ पर 390 ही होने वाला है। एंड आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताओ कि जो न्यू अपडेट आएगी उसके अंदर यही चीट कोड रहेगा या फिर कुछ और रहेगा। बट गाइस मुझे जहाँ तक पता कि इसका चीट कोड यही रहने वाला है, बिकॉज जो KTM 1190 है उसका चीट कोड भी 1190 है, तो इसका चीट कोड भी यहाँ पर 390 हो सकता है। एंड गाइस मैं अपनी तरफ से ओपिनियन दे रहा हूँ, तो अगर आप लोग भी अपना ओपिनियन देना चाहते तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर से करना। आप लोग भी मुझे यहाँ पर बताओ कि KTM 390 का चीट कोड क्या हो सकता है। बट गाइस 90% यही चीट कोड रहेगा कि इसका चीट कोड 390 ही रहेगा, बट कोई बात नहीं, अपडेट के बाद मैं आपको वो चीट कोड बताऊंगा ही। एंड गाइस अभी मैं आपको हमारे गेम के अंदर जितनी भी न्यू चीजें ऐड हो चुके उसके अलावा कुछ न्यू कमाल की अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। एंड गाइस अभी मैं आपको जो अपडेट बताने वाला हूँ उसके अंदर से कुछ अपडेट हमें इस वाले अपडेट के अंदर देखने को मिलेगी, एंड कुछ हमें इन फ्यूचर के अंदर देखने को मिलेगी। तो गाइस जो हमारे नंबर 1 पर अपडेट होने वाली है अपन न्यू पेट्रोल ऑप्शन की अपडेट होने वाली है, साथ साथ यहाँ पर स्पीड मीटर की अपडेट होने वाली है। गाइस आप लोगों को तक मैंने इन दोनों के अपडेट के बारे में आपको पहले भी फुल डिटेल के अंदर बताया था, बट तब हमारी गेम के अंदर इन दोनों में से कोई भी चीज को ऐड नहीं किया गया। बट गाइस रूसर ने ये कहा कि जो इस बार न्यू अपडेट आएगी उसके अंदर में न्यू पेट्रोल ऑप्शन या फिर न्यू स्पीड मीटर देखने को मिलेगा। एंड गाइस यहां पर हमारी गेम के अंदर कई सारी बाइक एंड कई सारी चीजों के ऊपर यहां पर हमें स्पीड मीटर देखने को मिलता है, यानी कि हमारी गेम के अंदर में कार्स और बाइक के ऊपर स्पीड मीटर देखने को मिलता है, बट वो हमें इन कार के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि हमें कार के इंटीरियर के अंदर देखने को मिलता है, साथ साथ बाइक के इंटीरियर के अंदर देखने को मिलता है। बट अभी हमारी गेम के अंदर जो स्पीड मीटर आएगा वो हमें बाहर ऑप्शन के अंदर ही देखने को मिलेगा, यानी कि जो यहाँ पर गेम के कंट्रोल्स होते हैं वही कहीं पर हमें स्पीड मीटर देखने को मिलेगा या फिर हमारे गेम के अंदर में पेट्रोल ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप लोग जल्दी से कमेंट के अंदर बताओ कि सबसे पहले आप लोग हमारे गेम के अंदर स्पीड मीटर लेना चाहते हो या फिर यहाँ पर पेट्रोल ऑप्शन लेना चाहते हो। एंड गाइस लिटरली हमारे गेम के अंदर जो ये सारी अपडेट आने वाली वो तो नेक्स्ट लेवल होने वाली है। एंड गाइस अभी हम बढ़ते हमारी नंबर 2 की अपडेट की तरफ, तो जो ये वाली अपडेट होने वाली है वो यहाँ पर न्यू आर्मी बेस की अपडेट होने वाली है। जी गाइस आप में से कई सारे लोग मुझे काफी सारी कमेंट कर रहे हो कि हमारे गेम के अंदर आर्मी बेस को ऐड करवाओ, तो गाइस मैं आपको देखिए हमारी गेम के अंदर जो स्पाइन अपडेट आएगी उसके अंदर अभी तक रोहित सर ने हमें आर्मी बेस के बारे में कोई भी अपडेट या फिर कोई भी लीक्स नहीं बताई है। बट अगर आप लोग चाहते हो कि हमारे गेम के अंदर आर्मी बेस आए तो आप सभी लोग इसके ऊपर कमेंट कर सकते हो, हम इसके बारे में एक बार रोहित सर से बात करेंगे और रोहित सर की जो भी राय होगी वो मैं आपको सबसे पहले आकर आपको बता दूंगा। बट अगर जो आर्मी बेस की अपडेट है वो शायद से हमारी गेम के अंदर आ सकती है, बिकॉज आप लोगों को बताओ कि हमारे गेम के अंदर हमें कई सारी पुलिस वगैरह देखने को मिलती है, साथ साथ हमारे गेम के अंदर हमें आर्मी टैंक देखने को मिलता है, साथ साथ पुलिस कार देखने को मिलती है। तो अगर हमारे गेम के अंदर सिर्फ आर्मी को ऐड किया जाए तो वहाँ पर आर्मी बेस के अंदर हमें पुलिस कार देखने को मिल जाएगी, साथ साथ वहाँ पर हमें आर्मी टैंक वगैरह देखने को मिलेंगे। एंड अगर हम सभी लोग यहाँ पर आर्मी बेस के अंदर जाएंगे तो वो सभी हम पर अटैक कर देंगे, एंड ऐसा हमारे गेम के अंदर हमें आर्मी बेस देखने को मिल सकता है। बट इसके लिए आपको सिंपल क्या करना होगा, वीडियो के नीचे कॉमेंट, तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर आर्मी बेस के लिए काफी सारी कॉमेंट कर दो। एंड गाइस अगर आप लोग इसके ऊपर बहुत सारी डिमांड रखते हो तो आने वाली इसी अपडेट के अंदर में न्यू आर्मी बेस देखने को मिल सकता है। एंड गाइस अभी हम बढ़ते हमारी नंबर 3 की अपडेट की तरफ, तो जो ये वाली अपडेट होने वाली है वो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एरिया की अपडेट होने वाली है। गाइस आप लोगों को बता कि मैंने काफी टाइम पहले आपको ये बताया था कि हमारे गेम के अंदर यहाँ पर जेसीबी से मिट्टी खोदने का ऑप्शन आने वाला है, बट अभी तक उसे हमारे गेम के अंदर ऐड नहीं किया गया। तो गाइस अगर हमारे गेम के अंदर कंस्ट्रक्शन साइड आती है तो हमारे गेम के अंदर हमें जेसीबी से मिट्टी खोदने का ऑप्शन देखने को मिलेगा, एंड इसके बारे में खुद रोहित सर ने ही बताया था। एंड रोहित सर ने ये कंफर्म भी कर दिया कि हमारे आने वाले किसी ना किसी अपडेट के अंदर हमें कंस्ट्रक्शन साइड देखने को मिलेगी। बट गाइस इसके लिए आपको सिंपल इस वाले वीडियो के नीचे काफी सारी कॉमेंट करनी होगी, क्योंकि आप लोग अगर काफी सारी कॉमेंट कर दोगे तो इसी वाले अपडेट के अंदर शायद से कंस्ट्रक्शन साइड आ सकती है। एंड गाइस अगर हमारी गेम के अंदर कंस्ट्रक्शन साइड आएगी तो हमें ऐसी देखने को मिलेगी जहाँ पर हमें पहाड़ वगैरह देखने को मिलेंगे या फिर हमारी गेम के अंदर बिल्डिंग या फिर सिटी का वर्क चल रहा होगा, ऐसी हमारी गेम के अंदर हमें कंस्ट्रक्शन साइड देखने को मिलेगी। एंड गाइस हमारी गेम के अंदर हमें नेक्स्ट लेवल ही कंस्ट्रक्शन साइड देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर हमें देखने को मिलेंगे कई सारे NPCs, वहां पर हमें कुछ और चीजें भी देखने को मिलेंगे, वहां पर हमें जेसीबी देखने को मिलेंगे, साथ साथ वहां पर हमें ट्रक देखने को मिलेंगे एंड कुछ न्यू व्हीकल भी देखने को मिलेंगे, एंड ऐसी हमारी गेम के अंदर हमें कंस्ट्रक्शन साइड देखने को मिलेगी। एंड गाइस अभी हम बढ़ते हमारे नंबर
4 की अपडेट की तरफ, तो जो ये वाली अपडेट होने वाली है वो यहाँ पर न्यू ड्रैगन की अपडेट होने वाली है। तो गाइस आप लोगों को पता है मैंने कई सारी वीडियो से आपको ये बता रखा है कि आने वाली इस अपडेट के अंदर में न्यू ड्रैगन देखने को मिलेगा। तो गाइस इसके बारे में खुद रोहित सर ने ही बताया था कि जो स्पाइन अपडेट आ रही उसके अंदर वो न्यू ड्रैगन को एड कर रहे हैं, बट उन्होंने जैसे जैसे अपडेट के ऊपर काम स्टार्ट किया तो उन्होंने ZX Trainer बाइक के बारे में बताया, साथ साथ KTM 390 बाइक के बारे में बताया, साथ साथ यहाँ पर निशान GTR कार के बारे में बताया, बट उन्होंने हमें ड्रैगन के अपडेट के बारे में अभी तक कोई भी डिटेल नहीं बताई है। बट जैसे ही कोई गुड न्यूज वगैरह आएगी तो शायद से वो गुड न्यूज यहाँ पर ड्रैगन की अपडेट ही होगी, बिकॉज उन्होंने पहले ड्रैगन के अपडेट के बारे में बताया था एंड उन्होंने हमें ये कहा था कि उसके ऊपर काम स्टार्ट हो गया है एंड अभी तक उसके बारे में और कोई भी लीक्स नहीं आई है। तो शायद से जो ये वाली अपडेट है वो एक सीक्रेट अपडेट हो सकती है या फिर रोहित सर यहाँ पर कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं जिसके अंदर यहाँ पर वो ड्रैगन के अपडेट देंगे। शायद से इस बार के अपडेट के अंदर में ड्रैगन का अपडेट देखने को मिलेगा, बिकॉज ये रोहित सर ने ही कंफर्म किया था। तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताओ कि आप लोग भी हमारे आने वाले इस अपडेट के अंदर न्यू ड्रैगन को लेना चाहते हो या फिर नहीं। एंड गाइस अभी हम बढ़ते हैं हमारे नंबर 5 की अपडेट की तरफ, तो जो ये वाली अपडेट होने वाली है वो यहाँ पर न्यू क्लोथ्स की अपडेट होने वाली है। गाइस आप लोग यहाँ पर गैलरी पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर हमें करेक्टर के कई सारे कपड़े देखने को मिलेंगे, बट गाइस वहाँ पर हमें कोई न्यू कपड़े वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं, बिकॉज ये सारे कपड़े तो हमें ऑलरेडी हमारे गेम के अंदर काफी सारे टाइम से देखने को मिलते हैं। बट अगर आप लोग चाहते हो कि हमारे गेम के अंदर न्यू क्लोथ्स को ऐड किया जाए तो इस वाले वीडियो के नीचे काफी सारी कॉमेंट कर देना। एंड गाइस अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी हमारे गेम के अंदर कौन सी न्यू चीजों को ऐड कर दिया है एंड हमारे गेम के अंदर फाइनल अपडेट कब तक देखने को मिलेगा। तो गाइस हमारे गेम के अंदर न्यू ZX Trainer बाइक, साथ साथ यहाँ पर KTM 390 बाइक, साथ साथ हमारे गेम के अंदर निशान GTR कार को फाइनल ऐड कर दिया है एंड अभी कुछ और चीजों को हमारे गेम के अंदर ऐड किया जा रहा है एंड जैसे उसके ऊपर काम कम्प्लीट होगा तो रोहित सर हमें न्यू इन्फॉर्मेशन सेंड कर देंगे एंड जैसे वो इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको सबसे पहले आकर दिखा दूंगा। एंड गाइस हमारे गेम के अंदर जो न्यू अपडेट आने वाले हमें नेक्स्ट मंथ के अंदर देखने को मिलेगी, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट मंथ होने वाला है उसकी 20 या फिर 25 तारीख के बीच हमारे गेम के अंदर में न्यू अपडेट देखने को मिलेगा। तो आप लोग जल्दी से कमेंट के अंदर बताओ कि ये सारी सारी अपडेट आपको कैसी लगी है एंड मैंने आपको जो एडवांस के अंदर अपडेट बताई उसके अंदर से कौन सी अपडेट आपको सबसे ज्यादा मस्त लगी है, ताकि हम उसके ऊपर कई सारी वीडियो बना पाए और जल्द से जल्द हमारे गेम के अंदर उस चीज को एड किया जाए। तो प्लीज वीडियो के नीचे एक छोटी सी कॉमेंट जरूर से कर देना। बाकी गाइस इस वाले वीडियो के अंदर मेरे पास बस यही सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपको बता दी है एंड आई होप कि आपको ये वाली वीडियो काफी ज्यादा मस्त लगी होगी। बाकी तो गाइस जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वाली वीडियो को एक छोटी सी लाइक कर देना एंड चैनल पर नहीं तो फटाक चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी तो मैं मिलता हूँ ऐसी कमाल की वीडियो के अंदर, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।